अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है स्किन से रिलेटेड हमारे, और वो है ड्राई स्किन। आपने इस थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने एक पिक्चर शेयर की हुई है थंबनेल पे, जिसमें सारी स्किन जो है उसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं, ऐसे लाइनिंग है, और स्किन जो है वो ड्राई महसूस हो रही है। ठीक है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, बल्कि हर इंसान खुद पर भी ये चीज़ महसूस करता है। बाज़ अवकात जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और हम जो है वो उसमें गर्मी में फिरते रहें, तो हमारे स्किन के कुछ हिस्से जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये फिजियोलॉजिकल हो गया। दूसरा, अगर किसी को कोई किडनी की डिज़ीज़ है, ठीक है, रिनल डिज़ीज़ के अंदर जो है वो हमारी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। हमारे पास जो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट हैं जो ऑन डायलिसिस होते हैं, उनके अंदर ड्यू टू सवेयर एडिमा, पहले उनमें एडिमा होता है, पानी भरा रहता है, फिर जब हम उनमें डायलिसिस करते हैं तो वो वहाँ से पानी जो है निकल के हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही वो पानी निकलता है तो स्किन में, जैसे वो टांग वाली जो जगह होती है वहाँ पे जो स्किन है वो सारी ड्राई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सिरोसिस क्यूटस कहते हैं, इसको ड्राई स्किन कहते हैं। अब आपने करना क्या है, ठीक है, करना आपने ये है कि सबसे पहले इस बात की तशखीस करनी है कि क्या ये ड्राई स्किन है या नहीं। हो सकता है वो आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा हो सकता है कोई डर्मेटाइटिस हो रहा हो। अगर ये पिक्चर है जो मैंने थंबनेल पे शो की हुई थी आपको, तो ये होता है ड्राई स्किन। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हम इसके फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि एक इसके ऊपर आपने ऑयल बेस्ड इमोलियंट्स लगाने हैं, वाटर बेस्ड नहीं लगाने, बिकॉज वाटर बेस्ड इमोलियंट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वो फॉर द टाइम बीइंग तो आपको रिलीफ दे देते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट चाहते हैं देन यू हैव टू यूज़ वाटर बेस्ड इमोलियंट्स, बिकॉज ऑयल बेस्ड इमोलियंट्स ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी इसके अंदर ऑयल आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्रीम बताऊँ तो वो है न्यूट्रोजिना। न्यूट्रोजिना क्रीम है, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा कुछ नीविया की क्रीम्स भी हैं, फेयर एंड लवली की क्रीम्स भी हैं, लेकिन न्यूट्रोजिना जो है ये मेडिकली टेस्टेड है, और ये जस्ट फॉर, अगर आप देखेंगे सिर्फ अगर ड्राई स्किन की हम बात करें तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, वो ड्राई स्किन को जो है वो फॉर द लॉन्ग टाइम जो है उसको ट्रीट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप ड्राई स्किन से बचना चाहते हैं तो आप क्या करें। एक तो जेन्युइन डिजीज़ होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, आपको एडिमा हुआ, एडिमा होने की वजह से आपको मजबूरन जो है वो डायलिसिस करवाने पड़े और उसके बाद ड्राई स्किन हो गई, तो आप न्यूट्रोजिना यूज़ करके ड्राई स्किन से बच सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह की कोई डिजीज़ नहीं है, अगर आपको सिंपल गर्मी की वजह से, ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से ये हो रहा है, तो आपको ये चंद इकदाम हैं, अगर आप इस पर अमल कर लें तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है वो सिरोसिस क्यूटस से, ड्राई स्किन से हमेशा के लिए जान छुड़वा लेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप जिस जगह पे आप रहते हैं या सोते हैं वहाँ का जो ह्यूमिडिटी है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो ना बहुत कम ह्यूमिड हो। ठीक है, अगर लो ह्यूमिडिटी हो, वहाँ नमी कम हो, तो वहाँ पर स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। और ऐसे इलाके के लोग जो ख़ासतौर पर पहाड़ों पर रहते हैं या जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा रहती है, जहाँ पर ठंडी हवाएँ चलती हैं, तो वहाँ पर ड्राई स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको फ्रीक्वेंटली जो है इमोलियंट्स यूज़ करने पड़ते हैं इस तरह के, जो स्किन को जो है वेट रखें। तीसरे इसमें अहम बात यह है कि आप अगर हॉट शॉवर यूज़ करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी से नहाना जो है, अगर वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट, तो हॉट बात लेते हैं, तो वो मोस्टली हमारी स्किन जो है वो ड्राई करता है। ठीक है, हमारे बालों में खुश्की हो जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, आर्मपिट्स में, नेक में, एल्बो पे, नी पे, निकल्स पे हमारे यहाँ जो है वो ड्राई स्केली पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है, तो आप हॉट बाथ से भी अवॉइड करेंगे। चौथी जो इसमें अहम बात है वो ये है कि आप लोगों ने जब नहा के निकलना है तो टॉवल से स्किन को रगड़ना नहीं। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है वो उसके ऐसे टॉवल रगड़ रहे हैं बॉडी पे, चेहरे पे, बाजुओं पे, उसका नुकसान ये होता है कि जो ऊपर से वाटर है वो आप एब्रप्टली उसके ऊपर से उतारते हैं और नीचे जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से भी बचना है।
जो इसकी पांचवी चीज है वो ये है कि आप टॉवल को पैट करें, ठीक है। जैसे आप देखें अक्सर लेडीज़ जो हैं वो टिश्यू से ऐसे सोक कर रही होती हैं स्वेट को, आपने ऐसे ही टॉवल से नहाने के बाद जिसम को पैट करना है, बस आपने रगड़ना नहीं है, ठीक है। और आप जो छठी चीज़ ये है कि आप फ्रीक्वेंटली इमोल्जेंट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। वो ऑयल बेस्ड इमोल्जेंट जो है वो यूज़ करें ताकि आप इसको आसानी से इससे जान छुड़ा सकें। जो सातवीं और अहम चीज़ है वो है यूज़ ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो तब ही आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। अब इट स्टार्ट्स विद द हैंड्स एंड देन द लिप्स, लिप्स आपके क्रैक होने शुरू हो जाते हैं, देन इट स्प्रेड्स टू द होल बॉडी, फिर आपकी पूरी स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाती है। इफ़ यू डिक्रीज द इनटेक ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, आप पानी का इस्तेमाल अगर कम करेंगे तो ये फ्रीक्वेंटली यू विल एंड अप इन सियोसिस क्यूटिस, ठीक है। अब ये सात बातें हो गई। आठवीं बात और अहम बात ये है कि आप ह्यूमिडिफायर अपने कमरे के अंदर चलाएं, जैसे कि एसी के अंदर ह्यूमिडिफायर्स होते हैं जो आपके लो ह्यूमिडिटी को नॉर्मलाइज कर लें। ये कुछ सात आठ बातें हैं। न्यूट्रोजीना मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल वो यूज़ कर सकते हैं, नीविया क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ओले के बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हैं जो सिंपल एज सिंपल इज़ दैट कि आप ऑयल बेस्ड इमोलियंट्स यूज़ करें, वो सिरोसिस क्यूटस के लिए बहुत अच्छा है और यही उसका इलाज है। बाकी ये कुछ प्रिवेंशन है, ये अगर आप प्रिवेंट करते हैं अपने आप को, अगर आप इन बातों पे फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ड्राई स्किन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच।